इट्स दीप्ति, वेलकम टू हैशटैग सरप्राइज विद दीप्ति, एपिसोड नंबर 4। तो सबने कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे वाला पोस्ट डालकर विश किया ही होगा। तो आज हम 10 डिफरेंट वेज में कैसे किसी को सोशल मीडिया पे सरप्राइज दें, ये देखने जा रहे हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड के लिए भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम कभी भी कहीं भी विश कर सकते हैं, वो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, या हमारे साथ ही रह रहा हो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 है आर्ली पोस्ट। ये मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए किया था, उसका बर्थडे 8 फेब को होता था। तो मैंने 8 फेब को रात के 12 बजे से लेकर 11:59 बजे तक हर घंटे पोस्ट उसके लिए डाला था थॉटफुल कैप्शन के साथ। तो इसमें क्या करना है, हर घंटे एक पोस्ट डालना है, अलार्म लगा कर रख लेना, और सोने के टाइम, कॉलेज में हो या कोचिंग में हो, मैंने सोने के टाइम मैं पोस्ट डालती थी, फिर सो जाती थी, फिर एक घंटे बाद पोस्ट डालती थी, फिर सो जाती थी। और कॉलेज एंड कोचिंग में फ़ोन अलाउ नहीं होता था, तो मैंने ड्राफ्ट में पहले से सेव कर रखे थे सारे पोस्ट, और जैसे ही अलार्म मेरा बोलता था मैं तुरंत पोस्ट कर देती थी। तो इसमें हाँ एफर्ट लगेगा, थोड़ा एफर्ट ज़रूर लगेगा, और कैप्शन थॉटफुल डालना ताकि उसे बहुत ही स्पेशल फील हो। तो इसमें बस यही करना है कि हर एक घंटे पर उसके लिए एक पोस्ट डालना है। सेकेंड है आर्टिस्टिक गिफ्ट। इसमें क्या करना है, कुछ बना कर डाल सकते हो। बना कर क्या डाला जा सकता है, स्केच बना सकते हो, उसकी खुद की फ़ोटो बना कर पोस्ट कर दो, या उसे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, या जहाँ भी ईमेल कर दो। और क्या किया जा सकता है, हैप्पी बर्थडे वाला पोस्ट लॉकडाउन में बहुत ट्रेंडिंग था, तो वो कर सकते हैं। और 12 बजे रात में नॉर्मली विश करने की जगह गाना गाकर उसे सेंड कर सकते हैं, या पोस्ट डाल सकते हैं, जो भी करना हो कि हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे सिंग करके डाल सकते हैं, खुद सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे उसका बर्थडे है अपना बर्थडे समझ के खुद सेलिब्रेट कर सकते हैं, और उसे उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और पोस्ट डिज़ाइन कर डाल सकते हैं, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है कि आप क्या सेंड करना चाहते हो, बनाकर भेजना चाहते हो। नंबर 3 है प्रमोट अ पोस्ट। इसमें क्या करना है कि जो बहुत पॉपुलर पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, उनको एक पोस्ट डिज़ाइन करके दे देना, कहना कि जिस भी पर्सन का बर्थडे है उसको टैग कर दे, और एक दिन के लिए अपनी प्रोफाइल पब्लिक, प्राइवेट की जगह पब्लिक कर ले, ताकि आपकी फ्रेंड को दिखाई दे। या ये भी कर सकते हैं कि आपकी फ्रेंड को जो पेज ज़्यादा पसंद हो उनसे कॉन्टैक्ट करें, और एक पोस्ट प्रमोट करा सकते हैं। इसके वो चार्जेस लेंगे, आप उनको चार्जेस दे देना बस। नंबर 4 है PDF। जैसे कि PDF में ये कर सकते हैं कि जैसे बुक लिखते हैं वैसे ही PDF बना के बुक में पिक्चर्स पेस्ट किया, अपने थॉट्स लिखे हैं अब उस पर्सन के बारे में, वैसे ही PDF बनाकर पिक्चर्स लगाया, उसमें थॉट्स लिखे, उसको PDF के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड उसे सेंड कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा। एक दो पन्ने का मत बनाना, 10, 15, 20 पन्ने का बनाना, पेजेस का बनाना, और वो बहुत अच्छा लगेगा उसको पढ़ने में। तो ये कर सकते हैं। नंबर 5 है कॉमिक। जैसे कि कोई आप लोग का इनसाइड जोक है, उसको कॉमिक के फॉर्म में बनाया एंड उसको सेंड कर दिया या पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, उसको अच्छा लगेगा। नंबर 6 है कि जैसे आपके फ्रेंड और उसके फ्रेंड दोनों अलग अलग होंगे, तो अपने सारे फ्रेंड को बोल दो कि अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को एक दिन के लिए पब्लिक कर दें, और आपके उस फ्रेंड को बर्थडे विश कर दें, मतलब उसको टैग करके, ताकि वो देख सके। तो उसको लगेगा कि इतने सारे लोगों ने मुझे विश किया जो मुझे जानते भी नहीं, उसे बहुत स्पेशल फील होगा कि आपने सबसे बोला है विश करने के लिए। ये छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत अच्छा लगेगा उसको। नंबर 7 ये कर सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग टाइप पोस्ट डाल सकते हैं। ये भी मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए किया था कि हम कैसे मिले, हमने क्या किया, सब कुछ मैंने छोटे छोटे एक एक सेंटेंस में स्टोरी डाली थी, 50-60 स्टोरी मैंने डाली थी, और मैंने पूरी स्टोरी बताई थी कि हम कैसे मिले, हमने क्या क्या मस्ती किया। तो ये कर सकते हैं अपने फ्रेंड के लिए। और 8 है लॉन्ग नोट।
ये भी मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड के लिए किया है, जो स्पेशल फ्रेंड है उन्हीं के लिए किया है, सबके लिए नहीं किया। और सबके लिए मत करना, जो स्पेशल फ्रेंड है उन्हीं के लिए करना, कि लॉन्ग नोट लिखना एंड वो व्हाट्सएप पे सेंड करना या मेल कर देना या जहाँ भी सेंड करना हो करना। बहुत लॉन्ग नोट लिखना और 3-4 नोट पूरे दिल में सेंड कर देना। ओके, तो नंबर 9 हम ये कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन है एक्चुअली, कि एक पोस्ट डाला, उसमें लॉन्ग सा कैप्शन डाला जिसमें बहुत सारी तारीफ किया पर्सन की, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर ब्यूटीफुल, ऐसे ही खूब सारा कॉम्प्लीमेंट वाला पोस्ट डालना, उसको बहुत ही अच्छा और स्पेशल फील होगा। नंबर 10 इज़ काउंटडाउन, ये भी बहुत लोग करते हैं कि 3 days to go, 2 days to go, 1 day to go, ऐसा पोस्ट आप डाल सकते हो डेली। लेकिन इसमें 3-4 दिन पहले की जगह, 1 हफ्ते पहले की जगह, 1 महीने पहले से अगर काउंटडाउन डालोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा उस पर्सन को। तो बस यही थे मेरे 10 डिफरेंट वेज बताना कि कैसा लगा। मेरे पास अभी भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं शायद इसका पार्ट 2 भी बनाऊँ, बताना बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर आप लोग ऐसा कुछ करना तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो दीज हैंडल्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।